गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज है हमारे ट्रिप का डे 7 और आज वेदर काफ़ी क्लियर हो चुका है। हम आज जा रहे हैं चंद्रताल और बीच में काफ़ी सारे नाले पड़ेंगे। और यार यहाँ के वेदर की वजह से गले में काफ़ी दिक्कत हो चुकी है, कल रात भी काफ़ी दिक्कत हुई मेरे को गले में, तो थोड़ी सी मेडिसिन ली थी। तो ये वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत होता ही है, आपको हेडेक भी होगा, डीजी को भी आज हेडेक हो रहा है। तो चलते हैं और अभी जा रहे हैं हम ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आज चंद्रताल जाएंगे। क्योंकि कल तक चंद्रताल का, मैंने आपको पहले ही बताया था, चंद्रताल का रास्ता बंद था, आज चंद्रताल का रास्ता खुल चुका है। तो होपफुली हम लोग सारे के सारे जा रहे हैं और सबके सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ रेडी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं चंद्रताल के लिए। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं चीचम ब्रिज, सारे के सारे निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो मस्त वाली धूप हो गई है, वरना तो बारिश के चक्कर में वो प्लानिंग कैंसिल हो गया चंद्रताल का। चलो चलते हैं। गैस तो हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज, आप देख सकते हो ये है चीचम ब्रिज। तो आप चीचम ब्रिज की कितना इसमें लगा है, कितना इतनी हाइट पे है। आप मेरे पीछे देख रहे हो चीचम ब्रिज, फोटो शूट हो चुका है यहाँ पे सबका डन। यहाँ पे हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके हैं, थोड़ी देर के लिए रुक रखे हैं और यहाँ पे अभी सबका फोटो शूट हो चुका है। उसके बाद हम सीधा चंद्रताल के जा रहे हैं। वेदर देख सकते हो आप, और ये पूरा मेरे पीछे चीचम ब्रिज है। एक्चुअली चीचम ब्रिज इसका नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे एक जो नदी है उसका नाम भी चीचम है, तो इसलिए इसका नाम चीचम ब्रिज है। हम लोग ये लोसर में, यहाँ पे हमारा वेट हो रहा है, ये घायल है और ये भी घायल है, दो लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ से अभी भी हमारा चंद्रताल का रास्ता 1.5 आवर का है, तो चलते हैं अभी, धीरे धीरे जा रहे हैं। आप देख सकते हो आसमान बिल्कुल साफ है और चंद्रताल पहुँच के आपको बताते हैं हम। और ये हमें पहला नाला मिला हो वहीं पे, एक हमारी एक इनोवा फंस गई और बहुत कोशिश जा रही है उसको करने की, फाइनली निकल गई लड़की लगी है, लड़की लगी। हाँ ये हमारी गाड़ियाँ आते हुए दादा निकालने सबसे पहले लेके करना भी आ गई है। और ये भी निकाल दी गई है ताकती हुई, और ये साथ बता दी इसने बस। ओहो है भाई, हैवी ड्राइवर।
सारी गाड़ियाँ बाइक निकल गई, कोई चीज़ दिक्कत किसी को हुई। अब देखते हैं, मेरे को नाला पड़ता है तो चंद्रताल का काफ़ी एडवेंचर हो रहा है। ये हैं सारे के सारे कैंप। फाइनली रिच टू चंद्रताल। मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पहुँचने में जो मतलब जो रिस्क है ना, बहुत तगड़ा रिस्क है इधर पहुँचने में, लेकिन इस व्यू के लिए आए हैं सब के सब। देख सकते हो आप, ये देखो चारों तरफ क्या ही व्यू है, चारों तरफ देखो क्या ही व्यू है। देखो ऊपर और एक और गाड़ी जा रही है ऊपर, देख सकते हो आप भाई। ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, यहाँ आके आपको लाइव ही देखना पड़ेगा तभी मज़ा है, अदरवाइज़ कोई मज़ा नहीं है इसका भाई, सच बता रहा हूँ कोई मज़ा नहीं है। यहाँ से यहाँ आने मनी भाई कह रहे थक गए बस, हो गया मेरा। अरे यार चले। तरुण भैया, मन्नी भैया वहाँ से यहाँ कह रहे मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ वापस। यार यहाँ पे भी ऐसा है चंद्रताल लेक में आने के लिए 15 मिनट की ड्राइव है, 15 मिनट की पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, और आप वो देख सकते हैं पूरा चंद्रताल लेक, ये है पूरा का पूरा चंद्रताल लेक, आपको दिख रहा होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक में, आप देख सकते हो बहुत सांस फूल गई यार यहाँ आते आते, और टफ है। कम से कम ये 14,000 की फीट पे है, सांस बहुत फूल रही है और तो कुछ नहीं। पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, क्रिकेट मैच हो, लैंडस्लाइड हो, चंद्रताल की लेक हो, कुछ भी हो, दादा की चाय चाहिए तो चाहिए चाहिए भाई, बिना चाय के तो अपना काम नहीं बनता। तो यहाँ पे बन रही है हमारी कॉफ़ी और चाय बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बन रही है हमारी कॉफ़ी और चाय बन रही है, और देखते हैं अभी पानी ख़त्म हो चुका है, आप पानी लेक से ले लो, लेक वाला ले ले। हाँ और यहाँ पे नितिन भैया खींचते हैं फोटो। लेक देख लिया, लेक हो चुका है डन, और अब जा रहे हैं हम अपने कैंप में। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो लेक, ये देखो, और सब ने यहाँ पे फ़ोटो खींच लिया है, लेकिन दिक्कत अभी यही हो रही है, हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, सांस की बहुत दिक्कत हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, कभी भी ठंड लग सकती है यहाँ पे, तो अभी धूप है जब तक, यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का। यहाँ पे ऐसा कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने प्राण त्याग दिए थे, भगवान ने उनसे कहा था कि वो अपने प्राण यहीं पर त्याग दें, अभी तक तो मुझे यही बताया, कमेंट करके बताओ अगर मैं गलत हूँ तो चंद्रताल लेक में क्या हुआ था। और अब हम जा रहे हैं अपने कैंप्स में, क्योंकि यार यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सब सूप पीते हुए आप कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ।
Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. आज हमारी ट्रिप का डे 9। कल रात को तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, गले में खराश हुई और उसका सिरक नाक ऑक्सीजन भी कम हो गई। तो यार जब भी आप चंद्रताल आओ तो अपना एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूर लेके आओ। हम जब शाम को चंद्रताल लेक गए थे वहाँ चल रही थी बहुत ज़ोर की हवा और उस हवा से मेरे गले में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो अभी, और उसी वजह से मेरे को बहुत ठंड भी लग गई रात में। तो रात में यार काफ़ी लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हुई, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बाकी सबकी तबीयत ख़राब हुई। और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। मैं कुछ भी कर नहीं पाया शाम के बाद, चंद्रताल लेक से आने के बाद सिर्फ खाया और सो गया दवाई लेके। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है पहले से, गला ठीक है, नाक ठीक है, हल्का फुल्का सर में दर्द है। तो कोशिश करना है जब भी आप इस तरफ आओ चंद्रताल लेक की तरफ, पूरे प्रिकॉशंस लेके आओ। अब देखो मेरे को अभी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो एक तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लाओ, डायमॉक्स की गोली ज़रूर लाओ और कोल्ड की गोली ज़रूर लाओ। ये कुछ 3-4 चीज़ें जिससे आपको थोड़ा यहाँ पर राहत मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ भी चार्जिंग का कुछ नहीं है, लाइट नहीं रहती यहाँ रात में थोड़ी देर। यहाँ भी सुबह पूरा बर्फ़ जमी हुई थी इस गाड़ी में, थोड़ी बहुत धूप आ रही है आप देख सकते हो इस तरफ। जैसे यहाँ धूप आएगी थोड़ा अच्छा लगेगा, वैसे हम लोग निकल रहे हैं। यानी कि इसको यहाँ पे झरने को, वाटरफॉल को नाला कहते हैं, तो उसको पार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं ताकि उसका पानी ओवरफ्लो ना हो ज़्यादा। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।